Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इश्तियाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेज पर हमलों का केस, फारूक सत्तार और आमिर खान से दोबारा तफ्तीश का फैसला। नई JIT की तश्कील के लिए महकमा दाखला सिंध को खत अरसाल। इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत ने एक बार फिर बानिए MQM और दीगर मुलजमों के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मामूली मुकदमे में मेरा नाम ECL में डाला गया। नवाज शरीफ पर तो करप्शन के संगीन इल्जाम हैं, लेकिन वो फिर भी आजाद घूम रहे हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शरीफ खानदान शाही अंदाज में अदालत में पेश होता है। मुल्क में इंसाफ का दोहरा निजाम है। सद्दा में नाके पर ना रुकने पर कस्टम एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गाड़ी में सवार पुलिस इंस्पेक्टर शहनशाह जख्मी हो गए, तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के नाके में बम डिस्पोजल स्पॉट की बर वक्त कार्यवाही, बाल्टी में पड़ा बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी। डेंगी खैबर एजेंसी तक पहुंच गया। जमरूद खरके आबाद में डेंगी से मुतासरा पहली खातून जहां बहक। 42 साल खातून में चंद रोज कबल वायरस की तस्दीक हुई थी। फैसलाबाद में कार की टक्कर से तालिब इल्म की हलाकत का वाकया, CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल। तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे तुलबा को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया।